दतिया जिले के प्रसिद्ध क्षेत्र रतनगढ़ माता मंदिर पर हर वर्ष चैत्र नवरात्रि में माता रतनगढ़ मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में दतिया कलेक्टर संदीप माकिन एवं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित कर मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के सुरक्षा और आवागमन के सुचारू रूप से व्यवस्थाओं के लिए पुलिस और राजस्व विभाग सहित इंद्रगढ़ सेवड़ा नगर परिषद और सेवड़ा जनपद पंचायत एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, SDM सेवड़ा अशोक अवस्थी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी सुश्री निहारिका मीणा सहित संबंधित विभागों के जिला एवं अनुविभाग स्तर के अधिकारीगण उपस्थित थे। ग्वालियर के और इसका मुख्य निर्णय अधिकारी उत्तरदायी है इसके पीएचई के ई और सीओ जिला पंचायत। स्वास्थ्य सेवाओं की डॉक्टर साहब, जैसे कमिश्नर साहब ने कहा था फिजिकल बेड लगेंगे, आप अभी इस बार चेंज किया था ना, अभी सिर्फ टेंट नहीं लगेगा, पीछे बेड भी होंगे, ऑक्सीजन भी होगी, ग्लूकोज भी होगा, बेसिक एमिनिटीज होंगी एम्बुलेंस के अलावा, और इसेंशियल दवाइयां भी होंगी। और आपको इसके अतिरिक्त लिखा रहा हूं, अवस्थी जी लिख लो, कम से कम 5,000 मास्क भी रखेंगे, फेस मास्क क्या कहीं से ला, नहीं तो वो खरीदने रहेंगे। हाँ, ध्यान रखना। नदी किनारे का इशू है, फिर से दर्शन वाली 2 LED और लगवा दी जाए, वो शाख के साथ है महेंद्र, उन्होंने ही लगाई थी, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, नंबर मैं दे दूंगा। तो एक ऊपर मंदिर पे लग जाए और एक नीचे लग जाए जहाँ पे अपना कंट्रोल रूम के बाहर, तो कुछ लोग दर्शन वहां से देख तो सके माइक को, ठीक है। और अंदर की व्यवस्था मैंने कल रंजीत को बोली थी, आपके तहसीलदार को, अभी हम लोगों ने पिछली बार क्या किया SP साहब कि वो पहले हम करा लगते ही हुआ, हम लोग जिस दिन आएंगे उस दिन आपके बोट और ये सारी चीजों का डेमो देखेंगे, ठीक। लिख देना इसमें 2 तारीख को इनका डेमो देखा जाएगा, वहां पे सारी चीजें चलायमान है कि नहीं, डीजल की कोई समस्या नहीं होती, SDM दे देते हैं अभी भी।